My name is Ayushman Khurana and I'm gonna be straight up. I was born in Chandigarh. और चंडीगढ़ में मैं जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे पता लगा कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर के घर पे पैदा हुआ हूँ. माई डैड इज़ कॉल्ड मिस्टर पी खुराना. इज़ वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर इन नॉर्थ एंड ऑल्सो इन इंडिया. और मेरे नाम की जो स्पेलिंग है डबल एन एंड डबल आर बचपन से ऐसी है यार. मतलब आई हैव नॉट चेंज माई स्पेलिंग्स. लोग कहते हैं कि चेंज करने के बाद पता नहीं आपकी लाइफ चेंज हो गई है. दे वर ऑलवेज लाइक दिस. एंड पर्सनली आई डोंट नो व्हेदर आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी और नॉट, पर मैं अपने पापा पे बिलीव काफ़ी करता हूँ. सो आई स्टार्टेड इन सेंट जॉन्स बॉयज़ स्कूल इन चंडीगढ़. देन आई वेंट टू डीएवी बॉयज़ कॉलेज. मतलब ऑल बॉयज़ स्कूल से ऑल बॉयज़ कॉलेज में था और इवेंचुअली एक्टर बन गया. मतलब सब कुछ न्यूट्रलाइज हो गया उसके बाद. देन आई स्टार्ट गेटिंग लॉट ऑफ फीमेल अटेंशन. मतलब स्कूल में लड़कियाँ नहीं थी, कॉलेज में लड़कियाँ नहीं थी, लेकिन उसके बाद लड़कियाँ ही लड़कियाँ. बट एनी वे आई स्टडीड मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी. और वहाँ पर मुझे मेरी गर्लफ्रेंड मिली जो मेरी बीवी है ताहिरा. एंड वी गॉट मैरिड. एंड बिफोर कमिंग टू बॉम्बे शी नेवर थॉट कि मैं एक्टर बन सकता हूँ. मुझे अभी भी याद है चंडीगढ़ मैस कॉम डिपार्टमेंट की पार्किंग लॉट में आई वॉज सिटिंग विद हर गाड़ी के अंदर. लाइक जेन्युइन नेचुरल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड टॉक चल रही थी. तो उसने मुझसे पूछा कि क्या करने वाले लाइफ में. आई वाज लाइक यू नो आई वांट टू बी एन एक्टर. एंड शी स्टार्टेड लाफिंग. तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था. मतलब तुमने शक्ल दिखी अपनी एक्टर तुम बनोगे. लाइक शी स्टार्टेड लाफिंग. उन्हें लगा ही नहीं, तारा को लगा नहीं कि मैं एक्टर बन सकता हूँ. आई थिंक व्हेन यू इन योर टीन्स द मेन मोटिव एंडेवर लाइफ का होता है कि हाउ टू वू गर्ल्स. यू नो आई थिंक अ बॉय विद अ गिटार विद अ डिसेंट वॉइस हैज अ फेयर चांस कि मतलब आप किसी लड़की पट सकती है. सो मैंने ताहिरा को कैसे पटाया था, ऑफ कोर्स विद द गिटार एंड माय सॉन्ग जो मैंने कॉलेज में कंपोज किया था शादी के लिए आजा. एंड ये गाना 12 साल पुराना है, 10 साल पुराना है. एंड आई स्टिल रिमेंबर जब ये गाना रिलीज हुआ था तो वो सुन सुन के पक चुकी थी. दिस वाज शादी के लिए आजा, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग डेडिकेटेड टू ताहिरा एंड ऑल ऑफ यू. एज आई टोल्ड यू गाइस अर्लियर आई वाज इन ऑल बॉयज स्कूल एंड ऑल बॉयज कॉलेज. तो मेरा फर्स्ट क्रश मेरे टीचर पे हुआ था. शायद उनको भी मुझ पर क्रश था. बट आई एम नॉट गिविंग एनी वियर्ड आइडियाज. यू नो इन कॉलेज आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे काफ़ी दोस्त लोग थे. दे यूज़ टू जस्ट हैव लॉट ऑफ फन. यू नो व्हाट आई मीन. और यू नो सेक्स वॉज अ टैबू इन कॉलेज डे, स्पेशली इन अ सिटी लाइक चंडीगढ़. इट वॉज नॉट दिल्ली और बॉम्बे. एंड आई थिंक तो मैं उनको बोलता था कि यार देखो भाई अभी तुमने जितना करना है कर लो. जब मैं एक्टर बनूंगा ना तो मैं डोनर बनूंगा. तो मैं बहुत सारा सेक्स करूँगा. So the first film, I became a donor and the father of 50 kids in the film and father of 2 in real. So I'm having a fun life. But having said that, talking about my studies, I started English honors in college and university mein journalism karne ke baad, I thought of, you know, I used to write pretty well. I still write blogs and I write blogs in Hindi, I write blogs in English. Every fortnight I write a new blog. And my wife is also a lecturer. She's also an author. And we've written a book together. It's called Cracking the Code. I have a copy for you guys. This is it. It's called Cracking the Code and it's been written by me and my wife. And it's about my journey to Bollywood. Jitne bhi strugglers hain, I think unko ye kaafi help karegi. In fact, in 2006, I came to Bombay. When I joined a youth channel, wahan pe VJ ban gaya, anchor ban gaya. So I anchored IPL, I anchored a show called Just Dance on Star. So aisa hua tha ki Hrithik Roshan ne recommend kiya tha ki yaar, I like this guy on television, he should anchor our show. And that was a big kick for me. I was like, dude, this is amazing, I've arrived. Then I remember I got a phone call from Sujit Sarkar. And he was like, ki maine film banayi hai yahan. I want to make a film on a sperm donor. And I was surprised. Like, dude, sir, aapko main kis, matlab aapko kyun laga ki main ek sperm donor ka role kar sakta hu? And he was like, yeah, I look just like you, like your personality on television. Aap jaise bhi ho, mujhe waisa Vicky chahiye apni film Vicky Donor ke liye. So I did not audition for Vicky Donor. So the thing is, sometimes you just run after one thing. Ki mujhe actor banna, mujhe actor banna, mujhe actor banna. Main audition dunga, main kuch crack karunga. Nothing happened. But suddenly I was doing my job on television, doing it really well. And I think after getting noticed on television, I think I got my first break for Vicky Donor. So I think that was a big thing. I remember, you know, it's like wish list of every actor to be a part of Yash Raj films. And there's a person called Ashish Patil who was my boss in the youth channel. I was anchoring him. And he once called me, he was like, Aditya Chopra wants to meet you. And I remember I was holidaying that time in South India and I could not sleep that night. And I was just waiting for his text. Next morning, text aata hai, hi, this is Aditya Chopra, I want to meet you for a script, for a film. Aditya Chopra.
आई सॉ दैट मैसेज लाइक 10 टाइम्स. मैंने कहा यार ये सच है क्या? आई डोंट नो बिकॉज़ इट वाज सो सरियल फॉर मी, यू नो. एज आई सेड अर्लियर, इट्स अ बिजनेस ऑफ एवरी एक्टर टू बी पार्ट ऑफ वायरल फिल्म्स. एनीवे, आई मेट आदित्य चोपड़ा, ही गेव मी द स्क्रिप्ट ऑफ बेवकूफियां, एंड व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर इट आई रियली एंजॉयड वर्किंग ऑन इट, वर्किंग विद ऋषि कपूर एंड सोनम कपूर, और दो कपूरों के बीच में एक आयुष्मान खुराना. सो इट वॉज ऑल गुड फन, एंड द फिल्म डिडंट डू दैट वेल, बट इट्स ओके. आई थिंक सक्सेस इज अ लाउजी टीचर, आई फील. यू नो, यू लर्न अ लॉट फ्रॉम द फेलियर्स. बट फर्दर, नेक्स्ट अप, यू हैव टू एक्सपेक्ट अ वेरी क्वर्की, वेरी नॉवल, डिफरेंट स्क्रिप्ट. इट्स कॉल्ड हवाई ज़्यादा, एंड दिस फिल्म इज अबाउट अ गाय हु मेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरक्राफ्ट, हु वाज एन इंडियन. यस, हिज नेम इज शिवकर तलपदे. और 1895 में उन्होंने विमान उड़ाया था चौपाटी मुंबई में, जहाँ पर 500 से 1000 लोग थे, और ये उड़ान उड़ी थी आई थिंक टोटल 18 से 20 मिनट के लिए, एंड लोकमान्य तिलक वॉज ऑल्सो प्रेजेंट देयर. बट द प्रॉब्लम वॉज कि उस टाइम पर वो अपने इस इन्वेंशन को पेटेंट नहीं कर पाया. टॉकिंग अबाउट माई कैरेक्टर ऑफ शिवकर, ही स्लाइटली एसेंट्रिक एंड ही इज ऑफकोर्स अ महाराष्ट्र. मराठी मुझे बोलनी इतनी स्मूथली नहीं आती, बट मतलब सगड़ा समझता है, मतलब बोलना नहीं आता है, समझना पूरा आता है. और इस फिल्म के जरिए आई एम ग्लैड कि मुझे इस रीजनल लैंग्वेज के बारे में, मराठी के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला. एंड आई एम प्लेइंग अ लेजेंड, इट्स एन अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन अनसंग हीरो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, देयर इज अनदर वंडरफुल सॉन्ग कॉल्ड डार्क टिकट, और ये गाना मेरे दोस्त रोहित कोहली ने कंपोज किया है और मोहित चौहान ने गाया है. सो बी चाइल्ड लाइक, हैव फन इन लाइफ. सी या, आयुष्मान बाबा.